हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। चाहे आपकी परीक्षा की तैयारी हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, नीट हो, JEE हो, IIT हो, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाती हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। तो सिंपल आपको सब्सक्राइब करना है और जुड़ जाना है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से। फेसबुक, इंस्टा और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नई नई अपडेट्स आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कक्षा 10वीं संस्कृत में चित्राधारित वर्णन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं जिनके जिनमें आपको क्या करना है, कैसे चित्र वर्णन करना है, वो हम सरल तरीका आपको बताने वाले हैं कि सरलतम से सरलतम तरीका क्या होता है चित्र को वर्णन करने का। हमें दुनिया भर की बड़े भारी भरकम शब्द नहीं लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो भी यही कहता है कि अधः प्रदत्तम, नीचे जो एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, भाई आपकी परीक्षा में तो नीचे ही दिया होता है लेकिन यहाँ पे भाई साइड में हमने लगा दिया है, पार्श्व में स्थित कर दिया है। अधः यानी नीचे प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा देख करके मंजूषायाम, ये मंजूषा है आपकी, प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा में जो प्रदत्त शब्द, प्रदत्त यानी दिए हुए शब्द जो हैं उनके हिसाब से आपको क्या करना है, सहायतया, प्रदत्त शब्दों की सहायता के द्वारा पंचवाक्य यानी संस्कृति लिखित, पांच वाक्य आपको चित्र को देख कर लिखना है। अब देखिए जो मंजूषा होती है, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि मंजूषा के आपको सारे शब्दों को प्रयोग करना है, ये बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए। केवल ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आपको वाक्य नहीं बनाने के एकदम शब्द नहीं मिल रहे हो तो मंजूषा आपको शब्द दे देगी कि यहाँ से भी आप उठा के मंजूषा के हिसाब से यहाँ पे बना सकते हो। तो अगर ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो आपको दिख रहा है कि एक कैसा ग्राउंड जैसा दिख रहा है। ग्राउंड को क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं हम, ठीक है, संस्कृत में क्या कहते हैं, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र हो गया। अब क्षेत्र में क्या हो रहा है ये हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि बालिकाएं बैठी हुई हैं, मतलब कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हमें जैसे पौधे का रोपण किया जाता है ऐसे वृक्षारोपण हो रहा है, वन महोत्सव होता है, वृक्षारोपण होता है, इन सभी गतिविधियों में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमने चित्र को समझ लिया कि हमारे पास हमें बहुत लड़कियां दिख रही हैं, इधर हमें ये भी दिख रहे हैं कि भाई अगर स्कूल की हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षक वगैरह भी होंगे साथ में, ऐसे बड़े बड़े जो लोग दिख रहे हैं, तो हमने ऐसा उसको अनुमान लगा लिया। ठीक है, कोशिश कीजिएगा चित्र को समझने की, क्योंकि भाई हमने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा तो उसमें पिक्चर क्वालिटी तो बड़ी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ चित्र को देखिए और कुछ मंजूषा को समझिए कि मंजूषा में भी क्या क्या कह रहे हैं। मंजूषा कह रही है कि छात्रा, अब छात्रा हैं यानी बहुत सारे छात्र हैं, यानी लड़के लड़कियां कोई भी हो सकते हैं, छात्रा है शब्द का प्रयोग किया है। भाई छात्र का भी अगर बहुवचन देखें तो क्या बनता है, अगर लड़के छात्र हैं तो उनके लिए भी प्रथमा विभक्ति के रूप क्या बनते हैं, छात्र है, एक छात्र को कहेंगे हम छात्र है, दो को कहते हैं हम छात्रऊ, और बहुत सारों को कहते हैं, बहुत सारे छात्रों को कहते हैं छात्रा है, लड़के। और अगर लड़कियों की भी बात की जाए तो उन्हें एक के लिए तो छात्रा शब्द आता है, दो के लिए आता है छात्रे, और बहुवचन में आता है छात्रा है। अर्थात छात्रा है शब्द लिखा हुआ हो तो आप उसमें आप समझ सकते हैं कि चाहे लड़के भी बहुत सारे हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, यानी लेकिन है विद्यार्थियों की, स्कूल के पढ़ने वालों बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, छात्रा है शब्द एक हमें ये मिल गया। पादप, पादप किसको कहते हैं, पौधों को। अब क्या लिखा है, पादपा नाम, पादपा नाम, नाम नाम षष्ठी, बहुवचन आ गया। ठीक है, लक्ष्यम, अब लक्ष्य कर रहे हैं, उनका लक्ष्य है क्या लगाना, अब देखेंगे आगे देखेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको मंजूषा के सारे शब्दों का प्रयोग करना है, अगर आपको ना समझ में आए तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कठिन लगे तो उसको छोड़ दो, आप अपने हिसाब से सरल बनाओ। अब कैसे बनाएंगे वो हम आपको सिखाते हैं। कुर्वंती कर रहे हैं, पादपों का रोपण कर रहे हैं, अब हम देखेंगे कि काकी के कार्य यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कुरवंती का हम प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षकै, शिक्षकों के द्वारा, पर्यावरणम, पर्यावरण को, अब पर्यावरण की भी बात हो रही है। संभूय, हो करके, संभूय यानी हो करके, भू यानी होना, सम यानी खट्टा, और ल्यप लकार लगा है तो कर और कर के कार्य, हम क्या कह रहे हैं, अब आपको संभूय शब्द एकदम से जब हमने सारी चीज़ें बताई तो आपको अर्थ समझ में आ गया, कभी कभी ना भी आए, लेकिन जब जो शब्द हम बताते जाएं उनको जरूर ग्रहण करते जाइए, क्योंकि वो ही आपको चित्र बनाने में, अनुच्छेद लिखने में प्रयोग आएंगे।
संभुय होकर के क्षेत्र क्षेत्र में विशालम विशाल है, वृक्षारोपणम वृक्षारोपण हो रहा है, वन महोत्सव वन महोत्सव की बात हो रही है। तो अब हमने एक इस वन महोत्सव को से तो हमें ये मिल गया कि शिक्षक के बारे में भी हमें वाक्य बनाना है, छात्र के बारे में भी बनाना है, हमें विशाल क्षेत्र की भी बात करनी है, पर्यावरण की भी हम बात कर सकते हैं, वृक्षारोपण की भी कह सकते हैं, वन महोत्सव की, यानी पहला हम अपना वन महोत्सव वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये जो चित्र लिया है थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है तो ऐसा ही, लेकिन ये है कि आपको स्पष्ट रूप से दिख जाए इसलिए दिखाया गया है, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट जब आते हैं पिक्चर तो समझ में बच्चों को समझ में कम आता है। लेकिन प्रयास कीजिएगा ऐसे कि इसमें हमें भाई क्या क्या दिख रहा है, कि जैसे क्षेत्र दिख रहा है, वृक्ष तो दिख रहे हैं ना आपको, बच्चे तो दिख रहे हैं ना, ठीक है, उन अब बच्चे को से देखो जैसे कैसे देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहने हैं, गणवेश पहने हुए हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि भाई स्कूल, और छात्र वाली बात भी लिखी है तो छात्र हैं तो शिक्षक होंगे, हमें कुछ मंजूषा ने भी बता दिया। तो इसी प्रकार अब हम ऐसे चित्र को कैसे वर्णन करेंगे, तो कैसा भी चित्र हो उसके लिए सबसे एक लाइन याद रख लीजिए, पहली लाइन हमारी क्या बनेगी, इदम चित्रम अस्ति। इदम चित्रम आप लिखेंगे, याद रख लीजिए कि हमें ऐसे तो वाक्य बनाना ही है, आप लिखेंगे इदम, फिर लिखेंगे चित्रम, ठीक है, और फिर इसके बाद खाली स्थान, और फिर इसके बाद लिखिए अस्ति। आपको खाली स्थान नहीं लिखना है, हम केवल आपको एक लाइन बता रहे हैं कि उसको याद रख लीजिए कि इदम चित्रम अस्ति, यह चित्र है। अब किसका है, वहाँ उस शब्द में हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है, क्या लगानी है, षष्ठी विभक्ति। कैसे लगेगी, जैसे बालक में षष्ठी लगती है तो हो जाता है बालकस्य, चित्र एक ही है इसलिए एक वचन वाली ही, जैसे बालक बनता है बालकस्य, बालिका बनती है बालिका या, तो ऐसे हमें क्या बनानी है, षष्ठी विभक्ति लगा देनी है। और कोई भी शब्द पुरलिंग का हो या नपुंसक लिंग का, अकारांत होगा तो बनाना इतना सरल है कि देखिए, जैसे अगर फल के अगर हम षष्ठी विभक्ति का रूप देखें तो फल भी बनता है हमारा फलस्य, ठीक है, और अगर हम अपने बालक के रूप देखें तो बालक भी बन जाएगा बालकस्य, क्या कह देंगे, बालकस्य, ठीक है ना। तो फल बना फलस्य, बालक बन गया बालकस्य, किसमें, षष्ठी विभक्ति में। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है कि बालक का, फल का, और अब ये चित्र हमें दिख रहा है उद्यान का, तो हम लिख देंगे यहाँ पे उद्यानस्य, ठीक है। अब देखिए एक ही हमारी एक ही पंक्ति से कितने प्रकार के चित्रों के लिए हमारा क्या हो सकता है, बढ़िया आराम से एक वाक्य बन सकता है। तो हम लिख देंगे उद्यानस्य, उद्यान नहीं है, आपको क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पे, क्षेत्र ग्राउंड को क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान कर लीजिए, और प्ले ग्राउंड अगर उसमें जोड़ दिया जाए, खेल का मैदान देखे तो उसमें प्ले को खेलने को कहते हैं क्रीड़ा, और क्षेत्र जोड़ दीजिए तो हो जाएगा क्रीड़ा क्षेत्र, ठीक है। तो उद्यानस्य हो गया, केवल अकेला खेत जैसा दिख रहा है तो आप क्षेत्र लिखते हैं, अकारांत शब्द हो रहा है क्षेत्र, आ से अंत हो रहा है तो इसमें क्षेत्रस्य हो जाएगा। विद्यालय का दिख रहा है तो आप लिख देंगे विद्यालयस्य, विद्यालय का है, ठीक है। आपको पुस्तकालय का दिख रहा है तो आप कह सकते हैं पुस्तकालस्य, ठीक है। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, इदम चित्रम क्षेत्रस्य, इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, समझ गए। लेकिन अगर यहाँ पे समझिए कि स्या तो कब लगता है, जब कोई भी शब्द अकारांत हो, लेकिन आकारांत अगर कोई शब्द हुआ, कोई आकारांत स्त्रीलिंग वाला हुआ, तो जैसे लता बनती है लता याह, तो वैसे ही वो आकारांत शब्द भी याह के साथ में अपनी षष्ठी विभक्ति बनाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हम आपको बता दे रहे, नहीं तो कोई आकारांत शब्द देखे लता माला राधा जैसा कोई शब्द शिक्षा विद्या, तो आपने उसको विद्यास्य कर दिया, नहीं तो विद्या याह, लता या माला या षष्ठी में वो बनते हैं, ठीक है। एक लाइन अपनी हो गई, तो हम कहेंगे एदम चित्रम। अब हमें एक शब्द मिला था मंजूषा में वन महोत्सव का, तो हम वहां पे लिख सकते हैं वन महोत्सवस्य, क्योंकि वन महोत्सव शब्द अकारांत बन रहा है, षष्ठी लिख के इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप वन महोत्सव ही लिखें, उद्यान का भी लिख सकते हो, क्षेत्र का भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद बताइए इसमें कौन कौन है, तो आप कहेंगे इस क्षेत्र में दिख रहा है, तो जो भी जैसे आप कह रहे हैं कि उद्यान में, विद्यालय में, क्रीड़ा क्षेत्र में, या हमारा जो भी
पुस्तकालय में या जो भी जिसमें कोई बैठे हुए हैं या कोई चीज़ रखी हुई है, तो आपको स्थान बताना पड़ेगा। स्थान कौन सा कहते हैं? स्थान होता है आधार, आधारो अधिकरणम। अगर बात हो रही है उद्यान की तो आप कहेंगे उद्याने, यानी उद्यान में। बात अगर हो रही है विद्यालय की तो आप कहेंगे विद्यालय, यानी विद्यालय में। बात हो रही है अगर आपके यहाँ पे ये जो कोई दिख रहा है, जो भी चित्र दिख रहा है आपको, दिख रही है कि ये हमारा क्या है, एक परिवार का चित्र है, तो आप कहेंगे परिवारे। अगर आपको दिख रहा है घर की बात हो रही है तो आप लिख देंगे गृहे, घर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये शब्द क्या ए की मात्रा कहाँ आती है? ये भी अकारांत शब्दों में आती है। ठीक है, अकारांत जो भी गृह, उद्यान, विद्यालय, परिवार, ये सब अकारांत शब्द हो रहे थे। इनमें जब सप्तमी विभक्ति यानी मैं का अर्थ जोड़ना होता है, मैं अपर का अर्थ जब जोड़ना होता है, तब उसमें हम क्या लिख देते हैं? जैसे वन का चित्र दिख रहा है तो हम कह देंगे वने, क्या लिख देंगे? वने, कि वन में, उद्यान में, क्षेत्र में। अब ये क्षेत्र है तो हम कह देंगे क्षेत्र। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि जो चीज़ें समझ में आ जाए वो तो इस प्रकार से, लेकिन कई बार चित्र ऐसा आ जाता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम सड़क दिख रही हो तो हम कह देंगे मार्गे। ठीक है, तो ये तो सरल हो गए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि समझ में ही नहीं आए कि है क्या ये, कि किस जगह को कह दे, आप स्थान नहीं समझ में आए, तो ये चित्र तो बता सकते हो, तो आप कह सकते हैं कि अस्मिन चित्र, कि इस चित्र में। अब अस्मिन चित्र जो लिख दोगे ना, ये कोई गलत नहीं कर पाएगा आपका। यानी हमने वो चीज़ें भी बता दी कि किस प्रकार से हम कहते हैं कि उद्यान में बालक हैं, बालिकाएं हैं, शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, अनेक वृक्ष हैं, पौधे हैं, फूल हैं। अब देखिए इसी के कितने अपने वाक्य बन सकते हैं। जैसे हमने कहा अस्मिन क्षेत्रे, अस्मिन चित्रे कह दो, क्षेत्रे कह दो, कि इस क्षेत्र में, इस चित्र में, इस उद्यान में, तो अस्मिन का अर्थ होता है इस, इसमें, किस में? चित्र में। समान विभक्ति वाले विशेषण विशेष बन रहे हैं। अस्मिन चित्रे, अब क्या दिख रहा है आपको? छात्र दिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं छात्राः सन्ति। अब देखिए इन चीज़ों को देखकर ही आप पांच बना देंगे। थोड़े हमने और थोड़े चीज़ों को लेकर और बनवाए हैं वाक्य, लेकिन और सरलतम तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब फिर आप लिख देंगे अस्मिन चित्रे कौन है? एक शिक्षक है, तो आप लिख दीजिए एक शिक्षक अस्ति, एक शिक्षक है अस्ति। ठीक है, अब फिर लिख सकते हैं अस्मिन चित्रे एका शिक्षिका। नहीं समझ में आया कि वो क्या कर रही है, नहीं कर रही, समझ में आ रही है आपको कि क्या, आप उसमें क्रिया जोड़ दो। अस्मिन चित्रे एका शिक्षिका अस्ति, और अस्ति स्तः संति कहाँ लगाए जाते हैं? है, कोई चीज एक है तो उसके लिए आता है अस्ति। कोई चीजें दो हैं तो आपको लिखना है, कोई चीज कहा दो बालक हैं, दो लड़कियां हैं, दो पौधे हैं, दो फूल हैं, दो हैं, तो दो हैं को, दो कोई भी चीजें दो हैं तो उनके लिए आता है स्तः, और बहुत सारे हैं तो उनके लिए आ जाता है संति, यानी है का अर्थ बता देता है। ठीक है ना, तो एका बालिका, एका शिक्षिका अस्ति। अब आप कहेंगे अस्मिन चित्रे, इस चित्र में क्या है? वृक्ष है, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो वृक्ष का बहुवचन हो जाएगा वृक्षाः सन्ति। अब अनेक शब्द आता है तो वृक्ष के हिसाब से लिख दीजिए अनेकाः, और नहीं अगर सही रूप आ रहा है तो मत लिखिए, लिख दीजिए क्षेत्रे वृक्षाः सन्ति, उद्याने वृक्षाः सन्ति। अब पौधे हैं तो आप क्या कहें, पौधों को क्या कहा जाता है? पादप कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं पादपाः सन्ति। अब एक हमें पहले चित्र में हम इतनी मेहनत आपको करके बता रहे हैं, तो अगले चित्र आपको देखिएगा कितनी फटाफट से आने वाले हैं। अब ये आ गया, देखिए कितने सरल बनाए, कोई उसमें हमने बहुत जादू टोना किया, कुछ किया नहीं किया ना, सरल से सरल बन गया हमारा चित्र। छः सात आठ क्या दस वाक्य बना सकते हो। फूल हैं तो आप कहेंगे अस्मिन चित्रे पुष्पाणि सन्ति, इस चित्र में पुष्प हैं बहुत सारे, इस चित्र में वृक्ष हैं, इस चित्र में, ये गलत नहीं हुआ आपका, सही होगा। ठीक है ना, ये बात बता दी आपने। अब आपने कुछ चीज़ें, ये अब करने की बात आती है कि कुछ अगर करते हुए आपको दिखाई दे रहा है कोई, तो भाई दौड़ते हुए दिखाई देगा तो आप धावती लिखोगे, एक दौड़ रहा होगा धावती लिखोगे, दो होंगे तो धावतः लिखेंगे, बहुत सारे होंगे तो धावंती लिखेंगे।
ठीक है, मैं तुम का तो प्रयोग होगा नहीं, वहाँ पे तीतः अंति वाली ही क्रियाएं अपनी चलेंगी। ठीक है, अब हमने जैसे लिख बताया कि इस क्षेत्र में या इस चित्र में, हमने क्या दिया ना कि कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन सप्तमी वाला ही लिखना कि क्षेत्र में, चित्रे, उद्याने, विद्यालय, अस्मिन चित्रे, छात्रा, छात्र है, शिक्षक, एक शिक्षक दिख रहा है तो शिक्षक, शिक्षिका च संति, और शिक्षिका है। ठीक है, छात्रा, छात्र क्या कर रहे हैं। अब एक छात्र कर रहा होता तो हम कहते करोति, दो होते तो कहेंगे कुरुतः, और बहुत सारे होंगे तो हो जाएगा कुर्वन्ती। छात्राः कुर्वन्ती, छात्र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपणम्, वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्योंकि वृक्षारोपण की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ी सी चीजें, अब हम थोड़ी सी उनमें दो चार अपने शब्दों को जोड़कर अच्छे वाक्य बना सकते हैं, वो भी अच्छे हैं। जब नहीं आए तो नहीं आने पर तो जो हमने बता दिया वैसे भी बना लो। क्षेत्रे, क्षेत्र में अनेकाह वृक्षाः अपि सन्ति, अपि का अर्थ होता है भी, क्षेत्र में अनेक वृक्ष भी हैं, भी लगाना है लगा दो, नहीं आया तो मत लगाओ, क्षेत्रे अनेका वृक्षाः सन्ति। छात्राः, छात्र शिक्षक, शिक्षक के द्वारा निर्देशन्ति, निर्देशित की जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने आपको वाक्य बना दिए हैं, तो बड़े सरल तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें चित्र कैसा दिख रहा है, शेर है, भालू है, ऊंट है, हाथी है, हिरण है, बंदर है, चिड़िया है, दिख गई जितनी चीजें उतने आपके वाक्य हो गए। पेड़ दिख रहा है, पौधे दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, हो गया चित्र वर्णन। कितने वाक्य बना पाओगे बताओ, हर एक के लिए अगर ले लो तो एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो कम से कम 7-8 वाक्य बना लेंगे, बनाने हैं 5। शब्द भी कुछ कुछ मिल रहे हैं, बच्चे पता है फंसते कहाँ पे, वो पता है कहाँ जाते हैं, वो एकदम से सोचते हैं चित्र दिखा, चित्र तो समझ में आ गया, लेकिन सीधे पहुँचते हैं मंजूषा पे, और मंजूषा में जो 2-4 अगर ऐसे शब्द हमें मिल गए कि जिनके हमें अर्थ नहीं पता, तो फिर कहेंगे अरे अब नहीं आ रहा चित्र वर्णन, चित्र वर्णन जितना सरल कुछ है ही नहीं। तो अब देखिए, हमने कहा वने यानी वन में, ठीक है, सप्तमी विभक्ति है। धावती, दौड़ रहा है, अब कोई ना कोई तो दौड़ रहा होगा, मृग एक दौड़ रहा है, सिंह दौड़ रहा है, भालू दौड़ रहा है, लिख सकते हो, कोई नहीं कह रहा कि तुमने क्यों, वो तो भाई पिक्चर कोई खींची हुए चित्र बनाओगे तो क्या दौड़ता हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, तो भाई दौड़ रहा है लिख दो आप तो। कूर्दंती, अब कूर्दंती से समझ में आ जाएगा कि भाई कूदने का काम तो कूद भाद का कौन करता है, बानर करता है, तो बंदर के लिए हम ले लेंगे। पुष्पाणी है, फूल है, लिख देंगे। गज एक है, हाथी के लिए लिख देंगे। वृक्ष बहुत सारे दिख रहे हैं, वृक्षों के बारे में लिख देंगे। उष्ट्र, ऊंट दिख रहा है। मृगाह, कैसे मृग एक नहीं है, 2-4 होंगे यहाँ पे, अब इनने कहा 2-4 है तो अपन ने मान लिया कि हाँ 2-4 है, ठीक है, ठीक है। अब कहा च यानी और, भल्लू का यानी भालू भी है, भल्लूक इसके लिए कहते हैं, भल्लू कह भालू के लिए कहते हैं। बढ़िया की मात्रा विसर्ग आ रहा है, यानी एक आ दो और छुपी होंगी, हाँ सही भी बात है, वही जंगल में केवल एक ही भालू थोड़ी ना होता है। वृक्षेशु, वृक्ष पर, पक्षिणः, पक्षी भी है, देखिए पक्षिणः ये पक्षी, ठीक है। तो अब अपन को वाक्य मिल गए, क्या करना बनाना है भाई, यहीं से देखो, हम वहां पर नहीं जा रहे, यहीं से आपसे कह देते हैं, पहले आप बताएंगे क्या लिखेंगे आप। इदम चित्रम किसका है, वन का है, आप लिख देंगे इदम चित्रम, और ये हम ऐसे नहीं बता रहे कि सरल बता रहे हैं, 2016 से ये सन में, ये परीक्षाओं में आए हैं, परीक्षाओं में ही आए हैं ऐसे, है ना, कोई ऐसा नहीं है कि हम सोच आप उस सरल चित्र बता रहे हो, परीक्षाओं में ऐसे ही आते हैं। बहुत भारी भरकम परीक्षा को अपने मन में दबाव मत बनाने दीजिए, आप ये कहिए कि मैं तो तैयार हूँ, आ जाने दीजिए। कैसे, एदम चित्रम किसका है, ये बताइए किसका, वन का चित्र दिख रहा है, तो आप लिख देंगे वनस्य, वन में षष्ठी विभक्ति लगाई, काकी के का अर्थ जुड़ गया, यह है चित्र वन का है, तो आप लिख देंगे वनस्य अस्ति, एदम चित्रम वनस्य अस्ति, यह चित्र वन का है। अब यहाँ से शुरू कर दीजिए, चाहे तो आप लिख दीजिए वने, वन में कौन है, एक सिंह अस्ति, एक सिंह है, एक सिंह है, हो गया। अब लिख देंगे चाहे अस्मिन चित्रे या वने, एक गज अस्ति, अब एक गज है। अब गज में अगर आपको अस्ति जैसे, एक ही जैसे अस्ति अस्ति लग रहे हैं, तो आप उसमें एक क्रिया जोड़ दीजिए, क्या, कि वन में एक हाथी चल रहा है, तो आप लिख दीजिए वने एक, वने एक, वने
एकह गजह क्या कर रहा है, चलती, चल रहा है। तो भाई चलती थोड़ा अलग भी हो गया हटके, ऐसा नहीं लगेगा कि ये रट के ही आए हैं, तो अपने हिसाब से वने एकह गजह चलती। अब आप क्या कर सकते हैं, अब ये कौन दिख रहे हैं, मृग भी क्या मानते हैं, गुलाची मानते हैं, कूद कूद कर बढ़ते हैं कि नहीं मानते, तो उसके लिए भी लगा सकते हैं, बंदर के लिए भी हम लगा सकते हैं, दिख रहे बंदर हमें दिख रहे हैं, इनके लिए भी बना सकते हैं, मृग पक्षियों के लिए भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर हम क्या कहेंगे, वने वन में क्या कर सकते हैं, अब एक भालू दिख रहा है तो आप लिख दीजिए एक भल्लू कह अस्ति, एक भालू है ठीक है, एक भल्लू कह अस्ति, वने एक उष्ट्र अपि अस्ति, एक ऊंट भी है, उष्ट्र अपि ठीक है। अब अस्ति लिख दो, अगर आपको लग रहा है कि भ्रमण करने की क्रिया उसके संग में लगा दी जा सकती है, याद है, तो आप लिख दीजिए वने एक उष्ट्र अपि भ्रमति, यानी घूम रहा है, चलती या चल रहा है ठीक है। अब आगे देखेंगे, वने वन में अनेकाह वृक्षाः सन्ति, लिख दीजिए वने वृक्षाः, वृक्षाः सन्ति, वन में वृक्ष हैं, अनेक शब्द जोड़ दूँ तो अनेकाह वृक्षाः सन्ति वन में। अब आपके देखो कितने सारे वाक्य यहीं पे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, और देखो क्या कर सकते, वृक्षेषु, वृक्षों पर क्या है, चिड़ियाँ हैं, तो चिड़ियों का भी यहाँ पे बहुवचन दिया है, वृक्ष में भी सप्तमी विभक्ति पहले से ही लगा दिया, तो आप लिख दीजिए वृक्षेषु, वृक्षों पर पक्षिणः, यानी बहुत सारे पक्षी सन्ति। अब अगर पक्षिण शब्द का नहीं आए, पक्षिणः समझ में नहीं आ रहा हो, तो चिड़ियाँ दिख रही है, चिड़िया को खग भी कहते हैं, जो अकारांत शब्द बनता है, कैसे अकारांत, तो जैसे बालक बहुवचन में बालकाह बनता है, तो खग भी खगाह बन जाते हैं। तो भाई ये है ना सरल तरीका, तो हम ढूंढ लिया कि कहाँ पर आकाश में दिख रहे हैं, पेड़ों पे दिख रहे हैं, तो पेड़ों को क्या कहते हैं, वृक्ष, पेड़ों पर एक पेड़ नहीं है, बहुत सारे हैं, तो पेड़ हो गए बहुवचन में, पर का अर्थ आएगा सप्तमी में, तो सप्तमी का बहुवचन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे बालक सप्तमी में बनता है बालकेषु, तो वृक्ष बन जाएगा वृक्षेषु, यानी वृक्षों पर खगाह सन्ति, पेड़ों पर चिड़ियाएं हैं। आपका ये वाक्य, आपका चित्र वर्णन हो गया, आपको कुछ नहीं करना है ठीक है, ऐसे सरल बना लेने हैं, तो लीजिए हमारे क्या हो जाएगा, इदम चित्रम वनस्य अस्ति, यह चित्र वन का है, वने एक सिंह अस्ति, वने एक गजह अस्ति, अस्ति के संग में चलती लगाना हो तो चलती लगा दीजिए ठीक है, मृग दौड़ रहे हैं तो आप एक दौड़ रहा है तो धावती लिख दीजिए, दो हैं तो धावत लिख दीजिए, बहुत सारे बनाना है तो यहाँ पे मृग हो जाएंगे, दो दौड़ रहे हो तो मृगौ धावत, बहुत सारे दौड़ रहे हो तो मृगाह धावंती ठीक है, तो क्रिया के हिसाब से हम ऐसे लगा से धावंती। वृक्षों पर वानर कूद रहे हैं तो वृक्षेषु, वृक्षों पर का अर्थ सप्तमी से आता है, एक वृक्ष हो तो वृक्षे कहेंगे, बहुत सारे हैं तो वृक्षेषु हो गया, वृक्षेषु वानर क्या कर रहे हैं, कूर्दंती, अब वानर कूर्दंती क्रिया है तो वानर हो जाएगा वानराह, क्योंकि बहुवचन होनी चाहिए तभी क्रिया बहुवचन की आएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे वृक्षेषु यानी वृक्षों पर वानराह यानी वानर कूद रहे हैं, एक वानर होता, अगर वानर अकेला एक होता तब हम लिखते वानरह कूर्दती यानी कूद रहा है ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो हम लिख देंगे वानराह कूर्दंती, क्रिया कर्ता के हिसाब से आएगी। पादपे यानी पौधों पर, वृक्षों पर पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प विकसित हो रहे हैं, नहीं दिख रहा है, शोभन्ते शोभायमान हो रहे हैं, तो आप कहेंगे वृक्षेषु यानी वृक्षों, अब एक पौधे पर, एक वृक्ष पर नहीं बोले, बहुत सारे हैं तो पादपे और वृक्षे सबको इनको क्या कर दो, बहुवचन कर दो, तो आप कहेंगे पादपेषु यानी पौधों पर या बहुत सारे वृक्षों पर, तो आप लिख दीजिए वृक्षेषु यानी वृक्षों पर पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प विकसित हो रहे हैं, पुष्पाणि सन्ति, नहीं समझ में आ रहा है, विकसित धातु याद नहीं आ रही है, तो आप क्या कर दीजिए सन्ति लिख दीजिए कि पादपों पर या वृक्षों पर पुष्प है, एक ही बात है ठीक है ना, बस शोभते लिख दीजिए, एक एक है,
अगर पुष्प है पुष्पम शोभते, एक पुष्प शोभायमान कर रहा है तो पुष्पम शोभते, लेकिन पुष्प बहुत सारे हैं तो शोभन्ते भी लगा सकती हो, नहीं आए तो संति तो लगाई दो। अस्ति स्तः संति किस लिए सिखाया, इसीलिए है और है का अर्थ बताना, एक है दो है बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है चित्र वर्णन, कोई बड़ी कठिन बात नहीं है कि चित्र वर्णन कोई इतना डरावना राक्षस हो जो हमें डरा दे। तीसरा चलते हैं लेखा। अब देखिए यहाँ पे जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश करेंगे पहले हम। जैसे यहाँ पे हमें बच्चे दिख रहे हैं और एक ऐसे हमें पतंग उड़ती हुई दिखाई दे रही है, इन्हें डोरी पकड़ रखी है। यहाँ दो बैल दिख रहे हैं हमें और यहाँ हमें बहुत पेड़ दिख रहे हैं, ये हमें झोपड़ी जैसे घर दिख रहे हैं, अर्थात ये हमें गाँव का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। देखो पर्ण कुटी जैसी है ना, पत्तों की बनी हुई कुटिया दिख रही है, ठीक है। बहुत है, पर्याप्त है अपने लिए इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। अस्मिन चित्रे, ये एक गांव का चित्र है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इदम चित्रम ग्रामस्य अस्ति, ये एक गांव का चित्र है। यहाँ पे कैसे अस्मिन चित्रे या अस्मिन ग्रामे त्रयः, तीन बालक हैं तो कहेंगे त्रयः बालक। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक दिया है नंबर, त्रयः बालक दिया है, तीन बालक दिया है, तो ये लिख दे, नहीं तो ग्रामे यानी गांव में बालकाः सन्ति, बालक हैं, गांव में बालक हैं, गांव में दो बैल दिख रहे हैं, इस चित्र में दो बैल दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप आराम से अपने वाक्य बना सकते हैं। तो मंजूषा भी देख लें, मंजूषा कह रही है त्रयः छात्रा, अब तीन छात्र दिख रहे हैं, उन्होंने उसको छात्र बना दिया, बालक नहीं है छात्र हैं, तो हम तीन छात्र बता देंगे। गावऊ यानी दो गायें दिख रही हैं, तो दो गायें यहाँ पे इन्होंने बता दी है, कैसी दिख रही है, किधर दिख रही है, तो दो गायें हो रही। वृषभऊ दो बैल दिख रहे हैं, तो दो बैलों के बारे में भी बता देंगे। पतंगम पतंग को क्या कर रहे हैं, उड्डयंती उड़ा रहे हैं, पतंग को उड़ा रहे हैं, तो तीन बालक। देखिए यहीं से अपना वाक्य कैसे थोड़ा समझ लो ना, तो बहुत आसान है। त्रयः छात्रः पतंगम उड्डयन्ति, तीन छात्र पतंग उड़ा रहे हैं, हो गया। अब क्या लिखा है, शकटयाने, ठीक है। अब यहाँ स्तः, अब यान पर स्थित है, कौन है, अब दो स्तः शब्द किसके लिए आता है, दो के लिए, तो वृषभौ स्तः। शटकयाने यानी हमारी बैलगाड़ी में क्या है, दो बैल हैं, दो बैल हैं जो उसको ले जा रहे हैं, ठीक है। अब लिखा है शाकटिक, शाकटिक है यहाँ पर, तो उसको हमें बता देना है, शाकटिक यानी बैलगाड़ी है। ग्रामात गांव से बही बाहर निस्सरती, निकल रही है। तो देखिए बड़े आराम से हम वाक्य बना सकते हैं। कैसे बनेंगे हमारे वाक्य, हम पहले कह देंगे इदम ग्रामस्य चित्रम अस्ति, यह एक गाँव का चित्र है। इसमें अस्मिन चित्रे इस चित्र में, या अस्मिन ग्रामे इस गांव में, त्रयः छात्रः तीन छात्र पतंगम उड्डयन्ति, पतंग उड़ा रहे हैं। चित्रे चित्र में बहुत सारे हमें विशाल वृक्ष दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो वृक्ष दिख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं, तो सीधे वृक्ष के लिए बना दो, आप बना दीजिए। चित्रे चित्र में बहवः यानी बहुत सारे, नहीं आ रहा बहुत शब्द का अर्थ, हटा दो। विशाल वृक्षाः सन्ति, विशाल और विशाल शब्द में कोई विभक्ति ना लगाओ तो डैश लगा के लिख देना। अगर आगे वाले शब्द में कोई विशेषण शब्द बन रहा है उसमें आपको विभक्ति नहीं लगानी है। तो वृक्ष में यानी जो वृक्ष बहुवचन के बन रहे हैं, विशाल आप अगर उसको नहीं बना पा रहे हो अगर विभक्ति में, तो आप उसमें डैश लगा दीजिए। आप लिख दीजिए चित्रे इस चित्र में विशाल वृक्षाः सन्ति, बहुत बड़े वृक्ष हैं। अत्र यहाँ पे दो क्या हैं, पर्ण कुटी हैं, दो पर्ण दो कुटियां दिख रही हैं, तो पर्ण कुटे कुटेरे अपि स्तः, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, आप लिख दीजिए अस्मिन चित्रे द्वौ गावौ स्तः, दो गायें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ग्रामस्य दृश्यम रमणीयम अस्ति, गांव का दृश्य रमणीय है, उद्यान का दृश्य रमणीय है, विद्यालय का दृश्य रमणीय है, वन का दृश्य रमणीय है। तो ग्रामसी की जगह पे आप दुनिया का कोई भी लिख सकते हैं कि चित्र का दृश्य रमणीय है, इस चित्र का दृश्य कैसा है, रमणीय है, तो आप कहेंगे चित्रस्य दृश्यम रमणीय अस्ति, चित्र का दृश्य बहुत ही रमणीय है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो सिंपल एक और हमारी ये लाइन हो जाएगी कॉमन लाइन, एक एकदम चित्रम वाली, एकदम चित्रम वाली लिख लेंगे, एक ये वाली कि इसकी जगह पे कोई भी षष्ठी विभक्ति का शब्द लिख के बता दीजिए कि चित्रस्य दृश्यम, चित्र का दृश्य कैसा है, रमणीयम अस्ति, रमणीय है। तो इस प्रकार से वाक्य आपके सरल तरीके से बन जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि हम बड़े कठिन वाक्य बनाने हो, सरल लिख सकते हैं।
ठीक है, इसी को है ना, दो वाक्य इसी में से बन सकते हैं। कैसे? आप लिख सकते हैं ग्रामे त्रयः छात्राः सन्ति, गांव में तीन छात्र हैं, छात्राः पतंगम उड्डयन्ति, और छात्र पतंग उड़ा रहे हैं। हो गया, ठीक है। तो कोई बड़ी बात है? कठिन है? नहीं है ना, सरल है। तो इस तरह से अपने अपन को वाक्य बनाने हैं। और अब हमारे पास अगर एक हमें बैलगाड़ी के लिए भी लिखना है, जैसे हमारे पास शब्द भी लिखा है शकटियाने, है ना, ये क्या होता है शाकटिका, ठीक है ना, शाकटिका कहते हैं बैलगाड़ी को। और भाई उसका ही हमारा शकटिका होता है, शाकटिका नहीं होता है, क्या होता है शकटिका होता है, और शकटियाने। अब शकटियाने लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि शकटियान पर, यानी बैलगाड़ी पर कौन है, एक कौन बैठा हुआ है, किसान दिख रहा है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक शकटयाने, यानी एक बैलगाड़ी पर कृषकः अतिष्ठत, कौन, कृषक एक बैठा हुआ है। ग्रामं परितः, गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं, तो वृक्षाः सन्ति। तो ऐसे बड़े सरल वाक्य आप बना सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि पांच वाक्य आप ना बना सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। अधः प्रदत्तम चित्रम, नीचे दिए हुए चित्र को देख करके, दृष्ट्वा मंजूषायां, मंजूषा में से प्रदत्त शब्दानाम, प्रदत्त शब्दों की सहायता या सहायता के द्वारा पंचवाक्यानी संस्कृत लिखत, पांच वाक्य संस्कृत के द्वारा लिखिए। तो उद्यान दिख रहा है। अब उद्यान जैसा सरल चित्र अगर आ जाए ना, तो बस मान लीजिए कि उसमें तो फिर मज़ा ही आ गया। उद्यान में हमें पेड़ दिख जाते हैं, पौधे दिख जाते हैं, फूल दिख जाते हैं, आदमी दिख गया, पशु पक्षी, पक्षी दिख जाएंगे, पशु नहीं दिखेंगे तो पक्षी तो दिख ही जाएंगे, उसमें ही बच्चे दिख जाएँ तो बस बन गए, अपने सात आठ वाक्य बन गए एक को छोड़ के। इन्होंने कह दिया उद्यानम, उद्यान हो गया। जलिन, जल के द्वारा। जलयंत्रिण, जलयंत्र के द्वारा, ये भी लिखा है, जल के द्वारा या जलयंत्र के द्वारा, दोनों में से अपन कुछ भी लिख सकते हैं। विविधानी पुष्पाणि, और बहुत बहुत प्रकार के पुष्प हैं। वृक्षाः, वृक्ष। सिंचति, सींच रहा है कौन, उद्यान रक्षक। लीजिए यहीं पे दे दिया कि उद्यान रक्षक 2017 में आया था, उद्यान रक्षक जल यंत्र के द्वारा क्या कर रहा है, सिंचति। अब आप कह सकते हो कि विविध पुष्पों को, पुष्पों को तो नहीं सींचते हैं, वृक्षों को तो सींचते हैं, तो वृक्षाः लिख सकते हैं। पादप लिख सकते हैं, पादप यानी पेड़ पौधे, है ना, तो हम कह देंगे पादपान यानी पादपों को सिंचति, सींच रहा है। लता है, चित्र पतंगा है, लताएं दिख रही हैं, चित्र पतंगा यानी यहाँ पे हमारी कौन सी, तितलियाँ दिख रही हैं, है ना। हरितम, हरे हैं, संति हैं। अब बहुत सारे शब्द मिल गए, नहीं भी मिले तो अपनी आप भी बना सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, इदम सुंदरम उद्यानम अस्ति, यह सुंदर उद्यान है, नहीं, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, अपना सुंदर सरल टिकाऊ लिख लीजिए। इदम चित्रम, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है, ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या दिख रहे हैं, उद्यान में या अस्मिन चित्रे, उद्यान में क्या दिख रहे हैं, विविधानी पुष्पाणि सन्ति, बहुत प्रकार के फूल हैं, विविधानी पुष्पाणि सन्ति। अब एक पुरुष, एक पुरुष क्या कर रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसको एक आदमी को क्या कहा जाता है, तो पुरुष तो पता है ना कि पुरुष कहा जाता है, उद्यान रक्षक तो दिया था उसमें, लेकिन अगर समझ लेते तो उसमें ये भी मिल जाता कि उद्यान यानी ये बाग बगीचा, रक्षक शब्द इसके लिए आया है, यानी रक्षा करने वाला यानी मालिक, ठीक है। तो उद्यान रक्षक या एक पुरुष, एक पुरुष जलयंत्र के द्वारा पादपान सिंचति, पादप पौधों को सींच रहा है, ठीक है। ये तो आपने वहाँ की क्रियाकलाप बता दी, बता पाए, ठीक है, नहीं बता पाए तो आप लिख दीजिए उद्याने, उद्यान में क्या है, बहुत सारे क्या हैं, पौधे हैं, बहुत सारे नहीं आ रहा तो आप लिख दीजिए उद्याने पादपाः सन्ति, उद्यान में पौधे हैं। और आप कहेंगे पादपे, पौधों पर पुष्पाणि सन्ति, पौधों पर पुष्प हैं, ठीक है। अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष भी हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसे लिख सकते उद्याने वृक्षाः अपि सन्ति, यहाँ पे आप लिखेंगे कि उद्यान में वृक्ष भी हैं, और पुष्पस्य ऊपर और फूलों के ऊपर क्या हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, तितलियाँ उड़ते हुए दिख रही हैं, तो अब तितलियों को क्या कहेंगे हम, चित्र पतंगाः, तो हम कहेंगे चित्र पतंगाः, और यहाँ पर हमारी क्रिया लग जाएगी उड्डयन्ति, क्या लिखेंगे, क्योंकि उड़ने को क्या कहा जाता है,
ये हमारी उत डय जो धातु होती है उत उपसर्ग लगता है, डय हो जाती है और उसमें हम अंति लगा देते हैं। एक उड़ रहा हो तो हम कहेंगे उड्डयति, दो उड़ रहे उड्डयतः, बहुत सारे उड़ रही हैं तो उड्डयन्ति उड़ने के लिए, ठीक है। पुष्पस्य उपरि यानी फूल के ऊपर, चित्र पतंगा उड्डयन्ति, चित्र पतंगा उड़ रहे हैं यानी चित्र पतंग यानी तितलियाँ उड़ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पुष्पस्य उपरि नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो उद्याने यानी उद्यान में तितलियाँ उड़ रही हैं, ठीक है। वृक्ष हैं, ठीक है, आप और लिख सकते हो उद्यान में बहुत सारे पुष्प हैं। अब सिंचति का नहीं समझ पा रहे हो आप ऐसे तो बहुत सरल है कि उद्यान रक्षक जल यंत्र के द्वारा पौधों को क्या कहा जाता है, पादप। याद रख लीजिए को शब्द है ना, को का अर्थ लगाना है तो हमें को का अर्थ, क्योंकि एक पौधा नहीं बहुत सारे हैं तो द्वितीय विभक्ति तो लगेगी को का अर्थ बताने के लिए, बहुवचन वाली, तो पादपम नहीं कहेंगे, पादपौ नहीं कहेंगे, पादपान कहेंगे, तो ये हो जाएगा पादपान। पौधों को क्या कर रहा है, सिंचति, सींच रहा है, दी हुई है धातु, बस हो जाएगा अपना, ठीक है। इदम सुंदरम चित्रम अस्ति, इदम सुंदरम उद्यानम अस्ति, इदम सुंदरम चित्रम अस्ति, बस आपका क्या बन गया, ये चित्र वर्णन हो। अब इसके बाद हम देखते हैं अपने अगले चित्र को, लिखा है अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायेन पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, ठीक है। मंजूषा देख लेंगे, मंजूषा क्या कह रही है, व्याधः शिकारी तंडुलान यानी तंडुलों को यानी चावलों को प्रसारित फैला के, जालम जाल को प्रसारित फैलाता है, ठीक है, प्रसारित यानी फैलाता है। वने वन में वृक्षाः वृक्ष हैं, कपोताः कपोत बहुत सारे कबूतर, मिलित्वा मिल करके, आदाय ले करके, नभसी नभसी यानी नभ में, नभ यानी आकाश में, उड्डीय उड़कर, अन्यत्र और कहीं भाग जाते हैं, नष्टम धावती क्या हुआ दौड़ता है, अब धावती लिखा है ना यानी दौड़ रहा है, ठीक है। कौन दौड़ रहा है, व्याधः, ये शिकारी भागता हुआ दिखाई दे रहा है, कबूतर हमें उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे आकाश में उड़ रहे हैं। तो जैसे नभसी शब्द आपको लगेगा नभ में, यहाँ पे नभसी शब्द है, कहाँ से आया, क्या इसका अर्थ बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझी। नभ का अर्थ वैसे पता है कि नभ का अर्थ क्या होता है, गगन या आकाश होता है, नहीं समझ में आ रहा, तो भाई हम अपने हिसाब से भी तो हमें चित्र वर्णन करना हमने सिखाया है ना, कैसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वन जैसा चित्र दिख रहा है, दिख रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि इदम एकम इदम चित्रम वनस्य अस्ति, यह एक वन का चित्र है, एक लाइन बन गई। अब आप कह सकते हैं अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में एकः एक व्याधः, व्याधः धावति, एक व्याध दौड़ रहा है, दूसरा बन गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे ये इसको भी लेके कह सकते हैं कि आकाशे, आकाश शब्द तो समझ में आता है कि आकाश किसको कहते हैं, गगन तो कहें, आकाशे यानी आकाश में कपोतः उड्डयन्ति, कबूतर उड़ रहे हैं, है। अब यहाँ पे वैसे अपन लिख सकते हैं कि जाल को लेकर के उड़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए छोटा सा अगर कोई कभी ऐसा वाक्य आए तो कैसे बनाएंगे, आप हिंदी में बनाइएगा पहले, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि आकाश में कबूतर जाल को लेकर उड़ रहे हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं ऐसा कि आकाश में कबूतर जाल को लेकर उड़ रहे हैं। तो आकाश शब्द में लगाना है मैं का अर्थ सप्तमी विभक्ति से आएगा, तो आकाश हो जाएगा आकाशे, ठीक है। कबूतर कौन हो गए, क्योंकि उड़ने का काम कर रहे हैं तो कबूतर प्रथमा विभक्ति में बनेंगे, तो कबूतर को क्या कहा जाता है, कपोत, बहुत सारे हैं तो हो जाएंगे कपोता, एक नहीं है दो नहीं है बहुत सारे हैं तो कपोता। जाल को, जाल में को का अर्थ लगाना है क्योंकि जाल एक है, तो को का अर्थ के लिए हम इसमें क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति, तो हो जाएगा जालम। लेना, ले जाना क्या होता है, नी धातु से, ठीक है, या दा धातु से, दा का अर्थ होता है देना और आदाय का अर्थ क्या हो जाता है, लेना, तो यहाँ पे लेकर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम कह देंगे आ दा, और कर का अर्थ होता है ल्यप प्रत्यय से, तो हो जाएगा आदाय यानी लेकर के, आदाय नहीं आए
तो नीत्वा भी लगा सकते हैं ले करके, नी का अर्थ भी हो जाता है लेना, और त्वा अर्थ लगा सकते हैं तो हो जाएगा एक त्वा प्रत्यय से ले करके, कर और करके का अर्थ जोड़ने के लिए एक त्वा प्रत्यय सिखाया है आपको ले करके। तो आप लिख सकते हैं आकाशे कपोता जालम नीत्वा, जाल को लेकर के उड्डयंती, आप उड़ रहे हैं, तो आप यहाँ से लिख देंगे उड्डयंती, ठीक है। आदाय भी लिख सकते हैं ले करके, दा यानी देना, और आ उपसर्ग लगा देने से उसका उल्टा अर्थ हो जाता है लाना, तो क्योंकि उपसर्ग लग जाए तो कर और करके का अर्थ लगाने के लिए ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है, जिसमें ल्यप का केवल हमने सिखाया है आपको कि ल्यप का केवल पाक लोप हो जाता है, ला लोप हो जाता है, या शेष हमारी धातु में जुड़ जाता है। तो दा धातु देना और लेने को अर्थ क्या कहेंगे, आदाय, उल्टा अर्थ निकल आएगा आदा, आदा हो गया। अब उसके बाद उसमें कर और करके का अर्थ जोड़ना है तो हमने ल्यप प्रत्यय लगाया क्योंकि यहाँ उपसर्ग लगा था। लेकिन नी धातु में एकत्वा क्यों लगा दिया कर और करके को दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग नहीं था, नी मूल धातु ले जाने को बता रही थी, कहने नीत्वा यानी ला करके, ठीक है, ले जा करके या ले करके, लेकर उड्डयंती उड़ रहे हैं। तो अपने कितने वाक्य हो गए, एक अपन ने बता दिया इदम वनस्य चित्रम अस्ति, यह वन का चित्र है, ठीक है। एक व्याध, एक व्याध क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, एक व्याध धावती, एक शिकारी दौड़ रहा है। आप कहेंगे आकाश में कपोतः जालम आदाय या नीत्वा उड्डयंती, जाल लेकर उड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप वृक्ष के बारे में भी, बहुत सारे वृक्ष दिख रहे हैं, वने वने अनेकाह वृक्षाह संति, वन में बहुत सारे वृक्ष हैं। अब नदी भी दिख रही है तो आप ये भी लिख सकते हैं वने एका नदी अपि वहति, वन में एक नदी भी बह रही है। आप चित्र का वर्णन कर रहे हो ना, आपको जो दिखाई दे रहा है आपने लिख दिया उसको, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहानी के रूप में ही उसको लिखना है, ठीक है ना। तो जो चित्र जैसा दिखे वैसा हमें बनाना है, तो अब कहानी के रूप में लिखे तो देखिए तो थोड़े से कठिन, सरल से सरल भी बना सकते हैं, और अगर थोड़ा सा आपको अच्छे शब्द पता है तो आप लिख देंगे अस्मिन चित्रे, एक इस चित्र में, एक व्याध एक शिकारी जालम प्रसारे, जालों को जाल को फैला करके, तंडुलान प्रकीर्णति, जाल फैला करके जाल को, जालम प्रसार जाल को फैला करके चावलों को प्रकीर्णति बिखेर देता है, बिखेर देता है। कपोतः कबूतर क्या आते हैं, तंडुलान दृष्ट्वा चावलों को देख करके, खादितुम इच्छति खाने की इच्छा करते हैं, ते सर्वे और वे सभी जालम बद्धा जाता और जाल में बध जाते हैं, सर्वे कपोता सभी कबूतर जालिन सहिता उत्पतन, सभी जाल के सहित उड़ जाते हैं, व्याध और जो शिकारी होता है कपोतान दृष्ट्वा कबूतरों को देख करके, तेषां पृष्ठे धावती उनके पीछे दौड़ता है। हमने आपको सरल से सरल भी बता दिया और थोड़ा कठिन भी बता दिया कि भाई आपको जो इच्छा हो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। जब कभी नहीं है तो बिल्कुल सरल वाक्यों पर जाइए, बिल्कुल कोई नहीं कह रहा है कि आपको कि आप बहुत कठिन आपको लिखनी है, नहीं लिखनी है। अब देखिए लिखा है अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, ये बहुत सुंदर बढ़िया चित्र आ गया, बच्चे दिख गए, समझ लीजिए सबसे सरल आ गया। मंजूषा प्रदत्ता शब्दानाम सहायन मंच वाक्यानि संस्कृतेन लिखत, क्या है बालक दिख रहे हैं, पाद कंदुकेन किसको कहते हैं, पैर, पाद यानी पैर, कंदुक यानी गेंद, और एन लगा है के द्वारा का अर्थ, फुटबॉल के द्वारा पैर को, पाद और हमारा कंदुक बॉल और एन लग गया द्वारा, यानी कह दिया फुटबॉल के द्वारा, पाद कंदुक के द्वारा, पुस्तकम पठती पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ते हुए दिख रहा है मैं, चित्र फलक के चित्र फलक पर, फलक किसको कहा जाता है, बोर्ड को, कृष्ण फलक ब्लैक बोर्ड, श्वेत फलक व्हाइट बोर्ड, चित्र फलक ड्रॉइंग बोर्ड, समझ रहे हैं। तो चित्र फलक यानी चित्र फलक पर, अब चित्र फलक पर क्या कर रही है, वो चित्र बना रही है, और देखेंगे क्रीडतः खेल रहे हैं, दो खेल रहे हैं, दो कौन खेल रहे हैं देखेंगे, दो बॉल इकट्ठे खेल रहे हैं, इसके को लिख देंगे। बालिका, बालिका क्या कर रही है, चित्र फलक पर चित्र बना रही है, है ना। निर्माणम, निर्माण कर रही है, अब चित्र का निर्माण कर रही है, हम ऐसे लिख देंगे चित्रम निर्माणम, अब हम लिख देंगे हमारी जो करोती, क्योंकि
निर्माण करने के लिए हम करेंगे, लेकिन चित्र निर्माण के करोती की जगह पे हम अगर रचयति लिखेंगे तो ज़्यादा और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चित्र की हम रचना करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है तो इस तरह से वाक्य अपन बना सकते हैं। यंत्रेण, यंत्र के द्वारा देख रहा है, यंत्र के द्वारा वो देख रहा है एक बालक। तो हम अब चलिए कैसे वाक्य बनाएंगे, पहले तो हम बताएंगे कि ये जगह कौन सी है। सबसे पहले चित्र का स्थान, तो क्या बनेगा, इदम एकम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, यह एक उद्यान का चित्र है। दो बालक, क्योंकि दो बालक खेल रहे हैं ना, क्रीडतः जो धातु आई है किसके लिए आई है, दो लोगों के लिए आई है, क्रीडतः लिखी हुई थी धातु। नहीं भी हो तो आप कहेंगे क्योंकि दो बच्चे खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे द्वौ बालकौ, एक बालक होता एक बालक, दो बालक हैं द्वौ बालकौ, बहुत सारे बालक होते तो आप कहते अनेकाह बालकाः, सर्वे बालकाः। अब अगर सभी बालक ही खेल रहे होते तो आप कहते सर्वे बालकाः, अनेक खेल रहे होते तो आप कहते अनेकाह बालकाः। संख्या लिखनी है तो संख्या लिख दो, नहीं लिखना है तो आप एक है तो बालकः लिख दीजिए, दो है तो बालकौ लिख दीजिए, बहुत सारे हैं तो बालकाः लिख दीजिए। संख्या नहीं भी लिखेंगे समझ में आ जाएगा कि एक है या दो है या बहुत सारे हैं, यानी तीन, दो से अधिक है, ठीक है। तो आप कहेंगे बालकौ पादुकंदकेन क्रीडतः, जो बालक है वो फुटबॉल के द्वारा खेल रहे हैं। बालिका, बालिका क्या कर रही है, चित्रफलके, चित्रफलक पर क्या कर रही है, चित्रम निर्माणम करोति, चित्र का निर्माण कर रही है, या फिर हम चित्र चित्रकोण का की रचना कर रही है तो रचयति भी लिख सकती हूँ। चित्रम रचयति, चित्र को रचना कर रही है या चित्र का निर्माण कर रही है तो निर्माणम करोति, आप इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, अब लिखा है बालकः, बालक क्या कर रहा है, एक बालक, किस एकः बालकः, एक बालक यंत्र से देख रहा है, तो यंत्रेण पश्यति, यंत्र के द्वारा देख रहा है। फिर हम कहेंगे एका बालिका दोला दोलयति, एक बाल, एक लड़की क्या कर रही है, झूला झूल रही है, तो झूले को क्या कहा जाता है, दोला, और झूलने को उसी में जब हमारी दुल धातु होती है, झूलने का अर्थ बताने के लिए दुल धातु होती है, इसमें एक णिच प्रत्यय होता है जो क्या कर देता है, उसमें क्या कर देता है, भाव बना देता है, झूल रही है, झूला। अब दोला शब्द दुल धातु से बना, ठीक है, तो वहां से उसमें णिच प्रत्यय लगा तो बन गया दोलयति, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे दोला दोलयति, एक का बालिका, एक बालिका क्या कर रही है, दोला दोल रही है, यानी झूला झूल रही है। और वाक्य क्या बना सकते हो आप, उद्याने अनेके, अनेकह क्या कहेंगे, अनेके वृक्षाः सन्ति, क्या है, बहुत सारे वृक्ष हैं, हो गए उद्याने अनेक, अनेक एक है हमारा तो एकः वृक्षः अस्ति, दो हैं तो अनेक, अनेक दो हो जाएंगे तो हमारे के द्वौ लिख देंगे, नहीं लिखना है तो बहवः, बहुत सारे लिखना है तो बहु शब्द का बहुवचन बहवः लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख देंगे, कोई बड़ी बात है, ठीक है। आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, एक बालक पढ़ते हुए दिख रहा है तो आप कहेंगे अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, या फिर लिख देंगे उद्याने, ठीक है, अस्मिन् चित्रे लिख दीजिए, उद्याने लिख दीजिए, सभी बिल्कुल भाई तरीका एक ही है, बस आ जाना चाहिए हमें, करना क्या है, क्या कर रहा है बालक, तो आप कहेंगे बालकः, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो आप लिख दीजिए पठति। अब अगर यहाँ पे कोई आपको स्त्री पुरुष दिख रहे हो, घूम रहे हो, तो आप लिख दीजिए उद्याने, उद्याने। अब एक स्त्री नहीं है, बहुत सारी स्त्रियां हैं, तो आप लिख सकते हैं स्त्रियः पुरुषाः च, यानी स्त्री पुरुष भी अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि भाई स्त्री पुरुष घूमते हुए दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे उद्याने स्त्रियः पुरुषाः च भ्रमन्ति, घूम रहे हैं, ठीक है। बस इस तरह से आप भाई वाक्य तो बहुत सारे बना सकते हैं, बस थोड़ा सा हमें क्रियाओं को पता होना चाहिए कि हमें लिखनी क्या है। अब यहाँ देख लीजिए, ये बस वही उद्यान का चित्र आ गया, फिर से उद्यान दिख रहा है, 19 में भी यही पूछा गया, हम क्या कह रहे हैं, ले देखे है ना सब उद्यान और ऐसे ही चित्र आते हैं, कोई ऐसे बड़े भारी कठिन नहीं आते, नहीं बना पाए। ये क्या हो गया, वृक्ष हो गया, है कहाँ का चित्र, क्रीड़ावन, क्रीड़ावन का है, अध यानी नीचे, बालका है, दोला है, संति,
ऊपर ही ऊपर, जना, अब ऊपर नीचे का देखेंगे क्या होता है, ठीक है। जना बहुत सारे हैं, क्रीडंती कौन खेल रहे हैं यहाँ पे, बालिका। छत्रम, अब छत्रम छाती की बात आ गई है। आरूढ़ चढ़कर, नीचे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अब देखिए भाई, क्योंकि हमारे सामने बहुत, अब यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं, खेलते हुए दिख रहे हैं, उद्यान का चित्र दिख रहा है, बस अब हमारे वाक्य बन जाएंगे। क्या बनाएंगे हम लिख लेंगे, इदम सुंदरम बालोद्यानम अस्ति, यह एक सुंदर बालक बालक का उद्यान है। नहीं आ रहा, क्रीड़ावनम अस्ति, यह एक इदम सुंदरम उद्यानम अस्ति, यह एक सुंदर उद्यान है। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह एक उद्यान का चित्र है, हो गया। इसके बाद कहेंगे अत्र बालकाः, यहाँ जो बालक है किसमें, दोलायाम झूले में क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है। दोला शब्द क्योंकि हमने क्यों यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था, दोला झूले का शब्द लिया था, इसीलिए हमने ले लिया, ठीक है। सब का करना है ये, कोई कंपलसरी नहीं है कि मंजूषा के शब्द शब्दों को ले ही लो। तत्र सुंदराणी पुष्पाणी विकसन्ति, वहाँ पे सुंदर पुष्प विकसित हो रहे हैं, भाई उद्यान है तो पुष्प वहाँ पे होंगे ही। बहवः जना, बहुत सारे जन कहेंगे, इतस्ततः, द्वस्ततः ना करके हम इसको कर लेंगे, इतस्ततः, इधर उधर घूम रहे हैं। अत्र एकः विशालः वृक्षः अपि अस्ति, यहाँ पे एक विशाल वृक्ष भी है, या आप अनेक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई ऐसे आपके उद्यान का लेके चित्र कोई दिक्कत नहीं है। अत्र अनेका, अब आप लिख सकते हैं कैसे हैं, बहुत सारे बालक हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एकः बालकः अस्ति, द्वौ बालकः अस्ति, बालकाः क्रीडन्ति, उद्याने बालकाः क्रीडन्ति, बालिकाः अपि क्रीडन्ति, बालिकाएं भी खेल रही हैं, बालक भी खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे एक वही ऐसा ही फिर से वो उद्यान वाली ही बात आ रही है, उद्यान दिख रही है, यहाँ पे मैं झरना जैसा दिख रहा है कि पीछे झरना भी है, यहाँ बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख जाए तो पेड़ के लिए एक वाक्य लिख ही दो आप, बच्चे दिख रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के लिए लिख दो, यहाँ पे एक टीचर भी दिख रही है, मतलब एक तरह से भाई हमारा एक चित्र दिख रहा है उद्यान का, तो देखिए अपन वाक्य कैसे मिलित्वा, अब मिल करके थोड़ी सी मंजूषा भी पढ़नी है हमें, बता चल कुछ चल जाएगा, कुछ चित्र ऐसा देखे कि समझ में ना आ रहा हो ज़्यादा उसको स्पष्ट, तो थोड़ी मंजूषा से समझ लेना कि क्या कहना चाह रहा है चित्र। मिलित्वा यानी मिल करके, उत्साह पूर्वक यानी उत्साह के साथ में, शिशुवः यानी बहुत सारे शिशु हैं, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, शिशुवः यानी शिशु हैं। उद्यानम, उद्यान, अब उद्यानम अस्ति हम लिख देंगे, इसलिए बालकाः, बहुत सारे बालक हैं, बालिकाएं हैं, अध्यापक भी है, अध्यापिका भी है, वृक्षा है, विकसंती है, वृक्ष हैं और विकसित हो रहे हैं, तो फूल विकसित हो रहे हैं, पौधे विकसित हो रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारे वाक्य बन जाएंगे। तो हम कहेंगे एतत् उद्यानम अस्ति, यह उद्यान है, ठीक है। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, इदम सुंदरम उद्यानम अस्ति, ठीक है। अब अत्र बालकाः बालिकाश्च क्रीडन्ति, यहाँ बालक और बालिका खेल रहे हैं। अब बालक अगर एक है तो बालक लिखेंगे, बहुत सारे हैं तो आप कहेंगे बालकाः बालिकाः और च, ये हमारी सत्व संधि से यहाँ पे बालिकाः शब्द में जो हमारा विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो गया है। बालिकाः च, अगर अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिखिए, बालकाः बालिकाः च क्रीडन्ति, यहाँ बालक और बालिकाएं खेल रहे हैं। उद्यान में बहवः वृक्षाः सन्ति, बालकानां, बालकों के हाथ में पारितोषिकानि सन्ति, पारितोषक हैं, इनामे हैं, लिए दिख रहे हैं, इसलिए नहीं दिखे तो आप, गेंद दिख रही है तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बालकानां हस्ते, बालकों के हाथ में, अब क्रीडनक यानी खिलौना है, तो खिलौने को क्या कहते हैं, क्रीडनक, ठीक है। अब क्रीडनक कैसा होता है, नपुंसकलिंग, बहुत सारे हैं तो आप लिख सकते हैं क्रीडनकानि, ठीक है, आप लिख सकते हैं बालकानां हस्ते क्रीडनकानि संति, बालकों के हाथ में खिलौने हैं, क्यों आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, उद्यान में है बच्चे खेल रहे हैं तो हम कह देंगे कि खिलौने हैं उनके हाथ में, ठीक है। अब इस तरह से लीजिए, अब फिर क्या हो गया, अब शिक्षक शिक्षिकाएं हैं तो हमारा वाक्य भाई और बन सकता है क्या, यहाँ बाल कहा कर लीजिए, बाल बालिकाश्च अध्यापकान, अध्यापकान निर्देशम पालयन्ति, बालक और बालिकाएं अध्यापक के को क्या कर रहे हैं, निर्देश को पालन कर रही हैं, अध्यापक के निर्देश का पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बालाः यानी बच्चे और बच्चियाँ क्या कर रही हैं, अध्यापक के निर्देश का पालन कर रही हैं। नहीं लिखना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे
सर्वे शिशवः, क्योंकि शिशु शब्द भी आया है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं सर्वे शिशवः, या फिर आप लिख सकते हैं उद्याने उद्याने शिशवः भ्रमन्ति, शिशु घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न हो रहे हैं, आप लिख सकते हैं शिशवः, शिशु क्या हो रहे हैं, प्रसन्नाः सन्ति, प्रसन्न हैं, या दिखाई दे रहे हैं तो आप लिख देंगे दृश्यन्ते, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अंते लग जाएगा, ते ते अंते, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे हैं। तो ऐसे अपने छोटे छोटे से वाक्य बनाने हैं, कोई अपन को बड़े नहीं जाना है, ठीक है ना। अब विकसंती एक लिखा हुआ था, विकसंती लिखा हुआ था तो फूल विकसित होते हैं, तो आप लिख सकते हैं उद्याने उद्यान में, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं, अब कैसे लिखें कि पौधों पर या वृक्षों पर, तो आप लिख देंगे वृक्षेषु, वृक्षों पर क्या हो रहे हैं, पुष्प विकसित हो रहे हैं, तो आप कहेंगे पुष्पाणि विकसन्ति। इसी बीच में अगर आपको यहाँ पे चिड़ियाँ उड़ती हुई दिख जाए तो आप लिख दें आकाशे खगाह उड्डयन्ति, यहाँ पे क्या हो रही है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। तो आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हो। अब आगे देखिए, फिर से वही उद्यान जैसा चित्र है, ले देखिए देखिए कि कहाँ से कहाँ तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। कम से कम जितने चित्र हैं उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा उद्यान के बताए हुए हैं। वही हो गया इतस्ततः भ्रमन्ति उद्याने बालकः, बालकः सन्ति, भाई कोई अलग चीज़ मिल रही है, उद्यान का ही ले देखिए मिल रहा है, तो भाई थोड़ा सा हमें उद्यान पे ध्यान देना है। एतत् उद्यानम् अस्ति, उद्याने बहवः वृक्षाः सन्ति, शिशवः इतस्ततः भ्रमन्ति, इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर का मतलब होता है इतः ततः, ये दो हमारे अव्ययों से मिलकर बनता है, इतः यानी इधर, ततः यानी उधर, दोनों को मिला देते हैं तो इतस्ततः बन जाता है यहाँ सत्व संधि के। शिशवः शिशु जो है इधर उधर घूम रहे हैं, इतस्ततः भ्रमन्ति, स्त्रियाँ जो स्त्रियाँ क्या है, बालकेन सह भ्रमन्ति, और जो स्त्रियाँ हैं वो बच्चों के संग में घूम रही हैं, बालिका दोला दोलयन्ति, बालिका जो हैं वो झूले झूल रही हैं, ठीक है। सर्वे बालकः क्रीडन्ति, सभी बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब कोई दौड़ता हुआ दिख रहा है तो आप कह दीजिए बालकः धावति, एकः बालकः धावति, एक बालक दौड़ रहा है, फुटबॉल खेलते हुए दिख रहा है तो बालक, अब बहुत सारे बालक खेल रहे हैं तो आप दो बालक खेल रहे हैं तो आप कहेंगे बालकौ पादुकन्दुकेन खेल पादुकन्दुकेन पादुकन्दुकेन क्रीडति, क्या कर रहा है बालक, पादकंदुक के द्वारा खेल रहा है, दो खेल रहे हैं तो बालकौ पादुकन्दुकेन क्रीडतः, बहुत सारे खेल रहे हैं तो बालकाः पादकंदुकेन क्रीडन्ति, ठीक है। तो इस तरह से भाई हमारे कोई उद्यान और इसके चित्र, यहाँ पे अब मेले का चित्र आ गया, मेले में भी देख रहे हैं भाई ये जो हमारा व्हील होता है ना, जाइंट व्हील कहते हैं कि फेरिस व्हील कहते हैं, कुछ ऐसा ही कुछ कहते हैं नाम, जिसमें भाई ऐसे ऊपर से ऐसी रस्सियाँ बनी होती हैं और उसमें ऐसे सीट होती हैं और वो जब घूमता है तो सब ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ उड़ते चले जाते हैं। यहाँ पीछे देखिए, पीछे एक बड़ा झूला भी दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो भाई इससे समझ में आया कि मेले का चित्र है, और ऐसे समझ में नहीं आया तो एक यहाँ पे हमने मेल कम शब्द भी देख लिया कि मेले की बात है, दो ए बालिके दो बालक हैं, दो बालिके दो लड़कियाँ हैं, बहवा यानी बहुत सारे हैं, बहुत सारे अब क्या हैं हम देखेंगे, नीतवा लेकर के, अब क्या लेकर के कुछ दिखेगा तो हम लेकर के का शब्द बना देंगे, नहीं आएगा तो हमारे पास शब्द वैसे ही बहुत हैं, बहुत सारे हमने करे हैं चित्र वर्णन तो अपन अपने हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। इतस्ततः इधर उधर घूम रहे हैं तो बता दीजिए कि दो ही बालिके इतस्ततः भ्रमन्ति, दो लड़कियाँ इधर उधर घूम रही हैं, ठीक है। श्वेत वस्त्रम श्याम वस्त्रम, सफ़ेद वस्त्र और काले वस्त्र पहने हैं। अब यहाँ पे अत्र बहवः जनाः सन्ति लिख दीजिए, यहाँ मेले में बहुत सारे लोग हैं, मेले नहीं लिखना है, इस चित्र में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं तो अस्मिन् चित्रे बहवः जनाः दृश्यन्ते, यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, नहीं आ रहा है। अस्मिन् चित्रे बहवः जनाः सन्ति, यहाँ तो बहुत सारे बालक हैं, द्वे बालिके दो लड़कियाँ, श्वेत वस्त्रम श्याम वस्त्रम धारयतः, दो लड़कियां श्वेत और श्याम वस्त्र को धारण किए हुए हैं। गोल चक्रिका अस्मिन् चित्रे एका गोल चक्रिका अस्ति, यहाँ पे एक गोल चक्रिका है। उपविशन्ति बैठे हैं जनाः, अब किसमें कहोगे, गोल चक्रिका में बैठे हैं तो कहेंगे जनाः गोल चक्रिकायाम उपविशन्ति, बैठे हैं। सर्वे जना आनंदम अनुभवन्ति, बहिर्दृश्यम अति
शोभते या रोचनते, मह्यम अति रोचते, मुझको बहुत पसंद है। ठीक है, तो इदम दृश्यम मह्यम अतीव रोचते, यह दृश्य मुझको बहुत पसंद है। या मेलकम मह्यम अतीव रोचते, मेला मुझको बहुत पसंद है। ठीक है, चलिए तो अब हम कैसे लिखेंगे, इदम एकम मेलकम चित्रम अस्ति, यह एक मेले का चित्र है। अस्मिन चित्रे, इस चित्र में एका गोल चक्रिका अस्ति, इसमें एक गोल चक्रिका है। अत्र, यहाँ पे द्वि चक्रिका दृश्यते, यहाँ पे द्वि चक्रिका भी दिख रही है, गोल चक्रिका भी दिख रही है और द्वि चक्रिका भी, दो चक्र भी दिख रहे हैं। ठीक है, सर्वे जना आनंदम अनुभवन्ति, यहाँ पे हम कहेंगे सभी लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। द्वे बालिके इतस्ततः धावत, दो लड़कियां हैं जो इधर उधर दौड़ रही हैं। अब यहाँ पे भ्रमतः भी लिख सकते हैं, भ्रमतः यानी दो लड़कियां इधर उधर घूम रही हैं। ठीक है, और भी लिख सकते हो, अब यहाँ पे द्वि चक्रिका, यहाँ पे आपको साइकिल दिखाई दे रही हो तो द्वि चक्रिका लिख दो, नहीं लिख रही है तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, द्वि चक्रिका हो तो लिख दो, नहीं है तो आप लिख दीजिए अत्र, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, लोग दिखाई दे रहे हैं तो आप कहेंगे अत्र यानी यहाँ, यहाँ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। अस्मिन चित्रे की जगह पे अत्र भी लिख सकते हो, कि यहाँ आप लिख सकते हैं बहवः यानी बहुत सारे जनाः सन्ति, बहुत सारे लोग हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं। द्वि चक्रिका नहीं दिखाई दे रही है, साइकिल दिखाई दे रही है तो ठीक है, जैसे ये रखी है साइकिल, वही इसके लिए भी अपना वाक्य बन सकता है, यहाँ साइकिल जैसी बनी है। नहीं लिखना है, द्वि चक्रिका नहीं आ रही है, समझ में नहीं याद आ रहा है तो आप लिख दीजिए अत्र बहवः जनाः सन्ति, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बस यह मेले का चित्र है। इदम एकम मेलकम चित्रम अस्ति, यहाँ एक गोल चक्रिका है, गोल चक्रिका अस्ति। ठीक है, तो बड़े कठिन से कठिन नहीं बनाने, हमें सरल से सरल बना लेने हैं वाक्य, जिससे कि हमारा चित्र वर्णन सही हो जाए। सही लिखिए, भले छोटे लिखिए। अब लिखा है अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, नीचे दिए हुए चित्र को देख करके मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा के प्रदत्त शब्दों से आप क्या करना है, आपको ये पांच वाक्य बनाने हैं। वही प्रश्न तो वही आता है, पंच वाक्या नहीं लिखा था, पांच वाक्यों को लिखिए। पति पत्नी बालिका वृक्षा बहवा जना परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति लिखति पत्राणि, अब पत्र लिख रही है, आप समझ में रही है। वृद्ध जना अपि सन्ति, वृद्ध लोग भी हैं। स्त्रियः पुरुषः, स्त्री पुरुष भी हैं। पति पत्नी भी हैं, पति पत्नी भी हैं, यहाँ पे स्त्री पुरुष भी हैं, वृद्ध जन भी हैं, लोग भी हैं, बहुत सारे लोग, बहवा जना बहुत सारे लोग भी हैं, परस्पर क्या कर रहे हैं, वार्तालापम कुर्वन्ति, लीजिए साथ में ही हो गया। बालिका लिखती कर सकते हैं क्योंकि एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया, बालिका लिखती क्या लिख रही है, पत्रों को लिख रही हो तो पत्राणी लिखंती, ठीक है ना। तो ये कैसे, वृक्षाह, अब बहुत सारे वृक्ष हैं तो देख लीजिए वृक्षाह दिख रहे हैं तो वृक्षा लिख दीजिए। नहीं समझ में आए कि ये कौन सा चित्र है तो अब उसको कैसे बनाए, ये नहीं समझ में आए कि स्थान क्या है तो आप लिखेंगे बहवा जना बहुत सारे लोग वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अस्मिन चित्रे, आप एक शब्द और जोड़ दीजिए कि इस चित्र में, अस्मिन चित्रे बहवा जना बहुत सारे लोग वार्तालापम कुर्वन्ति। ठीक है, दूसरा आ जाएगा अत्र, यहाँ पे स्त्रियः पुरुषाः च सन्ति, यहाँ पे स्त्री और पुरुष भी हैं। अत्र यहाँ पे या अस्मिन चित्रे बालिका पत्राणी लिखती, क्योंकि अब आपको नहीं पता कि ये भाई किसी हॉल का है, किसी उद्यान का है या कहाँ का है, तो अस्मिन चित्रे लिख दीजिए, अस्मिन चित्रे या अत्र लिख दीजिए, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। अत्र बालिका पत्राणी लिखती, यहाँ पे क्या लिख रही है, बालिका पत्रों को लिख रही है। अस्मिन चित्रे वृद्ध जना अपि सन्ति, वृद्ध जन भी हैं। अस्मिन चित्रे अपि बहवा वृक्षा सन्ति, यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष भी हैं। तो अगर ये पता ना चले कि ये उद्यान का है, घर का है, बाहर का है, कहाँ का है, नहीं समझ में आ रहा तो सीधा लिख दीजिए अत्र यहाँ, या अस्मिन चित्रे इस चित्र में, इस चित्र में बालक है, बालिका है, वृद्ध जन है, जो भी हो रहा है वो सब ऐसे आसानी से लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें लिखा है, इसमें भी हम चित्र को पहले देख लेते हैं, प्रश्न तो वही ही रहना है। उद्यान दिख गया, उद्यान दिख गया, ले दे के उद्यान आता है, बच्चे खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं, बस यही चीज़ें होती हैं। उद्यानी, ये भी 2020 में आया सेट 4 में। वृक्षा हैं बहुत सारे हैं, बालकाएँ हैं, प्रशिक्षक है यानी सिखाने वाला जो कोच होता है उसको प्रशिक्षक कहते हैं, प्रशिक्षण देने वाला। बालिकाएँ भी हैं, परस्पर हैं, आपस में यानी लड़के लड़कियाँ आपस में क्या खेल रहे हैं, पाद कंदुकेन फुटबॉल के द्वारा क्रीड़न्ति खेल रही हैं। देखिए यहीं से वाक्य बन रहा है हमारा।
अब देखिए, श्वेत वस्त्राणी श्याम वस्त्राणी, श्वेत वस्त्र भी पहने हैं, श्याम वस्त्र भी पहने, श्याम यानी काले, ठीक है। ददाति देता है, अब क्या दे रहा है, कौन क्या दे रहा है, तो हम कह सकते हैं प्रशिक्षक क्या देता है, शिक्षणम ददाति, प्रशिक्षक शिक्षण को देता है। समीपे विद्यालय अस्ति, आप लिख सकते हैं क्रीड़ा क्षेत्रे, यानी क्रीड़ा क्षेत्र के, काकी के लगाना है तो आप लिखेंगे क्रीड़ा क्षेत्रस्य, सप्तमी न लगा के आप लिख देंगे क्रीड़ा क्षेत्र से समीपे विद्यालय अस्ति। तो मंजूषा भी हमें बहुत सारे बनवा देती है वाक्य। चलिए, तो अब हम क्या अपना वाक्य बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे इदम चित्रम क्रीड़ा क्षेत्र से अस्ति। क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल, ठीक है, और क्षेत्र का अर्थ होता है मैदान, ठीक है। तो कहेंगे यह चित्र खेल के मैदान का है। फिर कहा क्रीड़ा क्षेत्रे, क्योंकि खेल के मैदान की बात हो रही है तो ये लिख दीजिए, उद्याने लिख दीजिए। क्रीड़ा क्षेत्रे बालकाः बालिकाः परस्परं पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, आपस में फुटबॉल के द्वारा खेल रहे हैं। क्रीड़ा क्षेत्र से समीपे, क्रीड़ा क्षेत्र के समीप में विद्यालय है, अब यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन इधर दिख रहा था हमें, ये दिख रहा था पीछे विद्यालय, तो हम लिख सकते हैं कि विद्यालय अस्ति, विद्यालय है किसके पास में, क्रीड़ा क्षेत्र के पास में। प्रशिक्षक क्या कह रहा है, शिक्षणम ददाति, शिक्षण दे रहा है। बालकाः बालिकाः क्या कर रहे हैं, बालक और बालिका श्वेत वस्त्राणी श्याम वस्त्राणी च धारयन्ति, धारण करे हुए हैं, ठीक है। धारयति ना करके धारयन्ति कर लेंगे क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारे हैं। बालकाः बालिकाः च, तो पहले बालक और बालिकाएं, श्वेत वस्त्राणी च श्याम वस्त्राणी, च हमेशा बाद में आता है, और दो शब्दों के बीच में और लगाना हो तो च पीछे लगाते हैं। बालकः बालकाः बालिकाः च, यानी लड़के और लड़कियां सफेद और काले क्या किए हुए हैं, वस्त्र तो लिखे ही है, सफेद वस्त्र और काले वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो धारयति की जगह धारयन्ति लिख देंगे क्योंकि एक होते तो ती लगाते, बहुत सारे हैं तो धारयन्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा चित्र, ठीक है। सर्वे छात्राः क्रीडन्ति, सभी छात्र खेल रहे हैं। वृक्ष बता दीजिए, आप कहेंगे क्रीड़ा क्षेत्रे बहवः वृक्षाः सन्ति, बहुत सारे वृक्ष हैं, ठीक है। आसमान में अगर चिड़ियां दिख जाएं तो लिख दीजिए आकाशे खगाः उड्डयन्ति, ठीक है। तो ऐसे अपने वाक्य बन जाएंगे। अब एक सैंपल पेपर में जो बताया गया था, इसको शायद हमने सैंपल पेपर जब समझाया था तब करवाया भी था कि ये हमारे अभ्यासवान भाव में भी है रक्षाबंधन का चित्र। तो अग्रजस्य यानी बड़े भाई, अग्रज यानी बड़ा भाई, बड़े भाई के, अनुजस्य यानी छोटे भाई के, भगिनी यानी बहन, तो बड़े भाई के छोटे भाई के रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का पर्व हो रहा है, रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, मणिबंध है, मणिबंध किसको कहा जाता है, कलाई को, कलाई पर रक्षा सूत्र को बांध रहे हैं, मिष्टान्नम यानी मिठाई को, प्रसन्न उप्रसन्न दोनों प्रसन्न, दो की बात हो रही है तो प्रसन्न प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो माता पिता, माता च पिता, आप लिखेंगे माता पिता च प्रसन्न, अब क्या कहेंगे, भावतः हो रहे हैं, ठीक है। अब पर्वण पर्व है, अब किसका पर्वण, किसका पर्व है, रक्षाबंधन का, बधनाती यानी बांधती है, ठीक है। चलिए, अब लिखा है इदम चित्रम, यह चित्र रक्षाबंधन उत्सवस्य वर्तते या अस्ति, ठीक है। यह चित्र रक्षाबंधन उत्सव, रक्षाबंधन के साथ में उत्सव को जोड़ दिया गया, रक्षाबंधन उत्सवस्य, उत्सव का है, क्योंकि पर्व शब्द होता है पर्वन से आता है। अब नकारांत शब्द आपको याद है या नहीं, किसी किसी उत्सव का, यानी कोई यहाँ पे आपको त्यौहार जैसा मनता हुआ दिखाई दे रहा हो, चाहे भाई हमारा राष्ट्रीय पर्व हो, राष्ट्रीय पर्व में स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, तो अकारांत शब्दों का प्रयोग ज़्यादा कीजिए जिससे कि उसमें विभक्ति लगाना सरल हो जाती है, बालक और फल जैसी विभक्तियाँ लग जाती हैं अकारांत शब्दों में। तो पर्वन शब्द, पर्व शब्द होता है पर्वन से आता है, इसका अर्थ भी त्यौहार आता है, उत्सव का अर्थ भी त्यौहार ही होता है, तो उत्सव का ले लो क्योंकि ये अकारांत होता है, तो उत्सव से लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। तो हम कहेंगे इदम चित्रम, यह चित्र रक्षाबंधन बंधन उत्सवस्य, तो बंधन को मैं उत्सव जोड़ दिया तो बन गया बंधनोत्सवस्य, ठीक है। वो हमारी कौन सी मात्रा से आया, हमारी गुण संधि से आ गया। अस्मिन् दिवसे, इस दिन पर भगिनी भ्रातुः हस्ते रक्षा सूत्रम बधनाति, बहन जो है भाई के, भ्रातृ शब्द का षष्ठी है क्योंकि
भाई के, काकी के का हर्थ लगा है, तो कहेंगे भ्रातु हाथ पर, तो हस्ते क्या बांधती है, रक्षा सूत्रम बधनाती, रक्षा सूत्र को बांधती है। भ्राता, भ्राता क्या करता है, भगिन्यै, भगिनी को, अपनी बहन को उपहार ददाती। अब यहाँ पे को का अर्थ निकल रहा था लेकिन देने की बात आ रही है इसलिए चतुर्थी लगा के हमने लिखा कि भाई बहन को उपहारम ददाती, उपहार देता है। पितरौ प्रसन्नौ स्तः या भवतः भी लिख सकते हैं, हो रहे हैं, ठीक है। माता पिता पितरौ, पितरौ शब्द माता पिता का एक शिष्ट द्वंद समाज का रूप होता है। पितरौ प्रसन्नौ स्तः, माता पिता प्रसन्न हैं। रक्षाबंधनम भ्रातृ भगिनियों प्रेमयः दिवसः वर्तते, रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार है। प्रेमणः दिवसः वर्तते, प्रेम का दिवस है। चलिए एक और आ जाता है हमारा, एक और चित्र, वही अपनी देखिए, फिर से उद्यान वाली बात आ गई। पति पत्नी लिखा है, उसमें बालिका लिखी हुए हैं, बहुवचन लिखे हैं, परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति लिखा है, ये भी सैंपल पेपर में दिया है। लिखती है, पत्राणि है, वृद्धजना है, ये सब भाई स्त्री पुरुष हो गए। तो उद्यान के अस्मिन् चित्रे एक रमणीयम उद्यानम अस्ति, नहीं लिखिए अस्मिन् चित्रम उद्यानस्य अस्ति। उद्याने बालकः बालिका नारी वृद्धा च भ्रमन्ति, उद्यान में बालक बालिका नारी वृद्ध सब घूम रहे हैं। उद्यान में बहवः विशालः वृक्षाः सन्ति, बालिका बालकः च परस्पर क्रीडन्ति, जनाः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति, यथा केचन पठन्ति लिखन्ति च, या कुछ लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं। लिए देखे वही बात है, उद्यान के इतने सारे बता दिए हैं कि आप 5-6 वाक्यों को याद कर लीजिए, आपका उद्यान से जुड़ा हुआ, किसी क्रीड़ा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, आराम से चित्र आप बना सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिएगा किसी इस प्रकार के चित्र को निकाल के उसके बारे में वर्णन करने का। जितने भी देखिए प्रीवियस ईयर में आए हैं तो आपने देखा होगा कि कम से कम 90% ऐसे चित्र आए हैं जो बिल्कुल सरल हैं, इन्हें कोई आपकी कठिनाई नहीं है। एक आदि कोई है वो कबूतर उड़ने वाला दिखाई दिया, तो उसमें भी ये नहीं है कि हमें कहानी ही लिखनी है, उसको भी हम सरल तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको चित्र वर्णन अब कठिन नहीं लग रहा होगा, सरल लग रहा होगा। कमेंट्स में बताइएगा कि कितनी आपको इसमें हेल्प मिली है। अच्छा, चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि जो भी हमारे 2020 से परीक्षा में अनुवाद जोड़े गए हैं उनको देखेंगे कि किस प्रकार के वाक्य हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हैं, तो उनको भी हम आपको सरल करवाएंगे, जिससे कि एक हमें रूपरेखा मिल जाती है कि कैसे वाक्य आते हैं और कैसे हमें अनुवाद करने होंगे अपनी अगली परीक्षा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।